बहुत बहुत नमस्कार आप सब लोगों को। मैं आशना शर्मा, मैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में एक सीनियर रिसर्च फेलो हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ एक नेशनल मिशन प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। उसी के अंतर्गत मैं एक शोध करता हूँ। हमारे यहाँ हिमालय में बहुत सारी नदियाँ हैं, पर गंगा नदी का अपना ही महत्व है। वो इसलिए भी क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतु बहुत ही अलग प्रजातियों के होते हैं। स्पेशली आप सब जानते होंगे कि गंगा का पानी अगर आप किसी कंटेनर में भी रखेंगे तो बहुत बहुत सालों तक ख़राब नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया मिलते हैं वो एकदम डिफरेंट होते हैं, जो इसकी वाटर कॉम्पोजिशन को और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं। मैं आपसे आज बात करूँगी टोटली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जिस बारे में आप और मैं शायद कभी जानते भी नहीं थे। आप कभी भी नदियों पर जाएंगे, किसी भी बेसिन में जाएंगे, आपको दिखाई देगा कि नदियों में छोटे छोटे पत्थर होते हैं। उन पत्थरों को कभी उठा के देखिएगा, और मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इस बार कभी भी किसी नदी पर जाएं तो वो पत्थर उठा के देखें। पत्थर उठा के देखेंगे तो उन पर बहुत छोटे छोटे कीड़े होंगे। आपको लगेगा अरे ये तो ऐसे पानी खराब है इसलिए वो कीड़े हैं। ऐसा नहीं है, नदियों में पाए जाने वाले कीड़े बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको बायोलॉजिकल टर्म्स में बोला जाता है मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स। मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स क्योंकि ये आँखों से देख सकते हैं, ऑल्दो छोटे होते हैं लेकिन ये इन्वर्टिब्रेट होते हैं, इनकी बैकबोन नहीं होती है। मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं कि हमारा पानी अच्छा है या नहीं है। बात करें गंगा की, तो गंगा नदी तो आप जानते हैं ग्लेशियर से शुरू होती है, गौमुख से शुरू होते हुए आगे बढ़ती ही जाती है, इसकी विड्थ बढ़ती जाती है। लेकिन मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स एक ऐसी चीज़ हैं जो आपको ग्लेशियर से लेके नदी जब तक ओशन से मिल नहीं जाती है तब तक आपको मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स की कॉम्पोजिशन दिखेगी। ऑल्दो वो चेंज होते रहते हैं, कभी किसी प्रकार के होते हैं, कभी किसी प्रकार के होते हैं। मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स की बात मैं आपसे इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से लेके हम जो बड़े हो गए हैं, नदियों पे जाके इनका रोल जब पता करेंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें हमेशा इंटरेस्ट करेंगे। मैक्रो इन्वर्टिब्रेट पानी के फिल्टर करने के ऑर्गेनिजम्स माने गए हैं। आपकी नदी कितनी साफ है, कितनी स्वच्छ है, उसके लिए वहाँ के मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स की कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने गंगा नदी में गौमुख पे जाके भी सैम्पलिंग की और वहाँ के ग्लेशियर के नीचे जो पत्थर मिलते हैं उन पे भी सरप्राइजिंगली बहुत सारे मैक्रो इन्वर्टिब्रेट मिले। जानने की बात यह है कि ये इतने अलग कैसे हैं, वहाँ पे भी पाए जाते हैं, नीचे भी पाए जाते हैं, उसके लिए रीज़न क्या है? ये अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट कर सकते हैं। अलग अलग एनवायरनमेंट में जाके ये अपना घर बनाते हैं, और घर बनाने के लिए इनको ऐसा भी बोला गया है कि ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। श्रेडर्स होते हैं, ग्रेजर्स होते हैं। जैसे आप लैंड पे देखेंगे गाय होती है वो ग्रेजर होती है, हमारे पानी के अंदर भी ग्रेजर्स होते हैं। इन्हीं मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स में से कुछ ऐसे होते हैं जो पत्थरों पे लगे हुए हरे हरे मॉस को ग्रेज करते हैं, पानी को साफ रखते हैं। इन माइक्रो इन्वर्टिब्रेट्स पे फीड करते हैं मछलियाँ। अब कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो कीड़े मकोड़े खाती हैं, वो कीड़े मकोड़े ये माइक्रो इन्वर्टिब्रेट उनको प्रोवाइड करते हैं फूड अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन हमें लगता है अरे इसका क्या फ़ायदा है, इसका महत्व भी क्या है। लेकिन माइक्रो इन्वर्टिब्रेट्स इसलिए ज़रूरी है कि जब हमारे गवर्नमेंट या हम कभी सोचते हैं कि नदी को प्रिजर्व क्यों करना है, तो वहाँ के माइक्रो इन्वर्टिब्रेट की कॉम्पोजिशन देखी जाती है। बहुत सिंपल टर्म्स में ईपीटी बोला जाता है, एफिमेरोप्टरा, प्लिकोप्टरा और टाइकोप्टरा। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑल्दो ये जितने भी माइक्रो इन्वर्टिब्रेट्स हैं ये नदियों में पाए जाने वाले कीड़े हैं, पर इनको बोला जाता है रिवर फ्लाइज। रिवर फ्लाइज क्यों? आप तो बोलेंगे ये तो कीड़े हैं, ये तो पानी में रहते हैं। फ्लाइज तो मक्खी होती है, वो तो बाहर उड़ती है। बिल्कुल सही बात है। ये जो माइक्रो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं ये अपने 80-90% जीवन पानी के अंदर व्यतीत करते हैं, और उसके बाद ये मेटामॉर्फोज होते हैं, अपनी बॉडी का फॉर्म बदलते हैं। जैसे एक तितली होती है, वो पहले कुकून में होती है और उसके बाद उसके पंख निकल आते हैं, वो उड़ने लगती है। वैसे ही माइक्रो इन्वर्टिब्रेट्स पानी में होते ज़रूर हैं, लेकिन 80% जीवन जी लेने के बाद, 4-5 साल का जीवन जी लेने के बाद, कुछ क्षणों के लिए, कुछ 1-2 महीने के लिए वो बाहर ज़रूर आते हैं और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। अब आप बताएंगे कि ये तो बहुत ज़रूरी है, पानी तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए नदियों को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो नदियों पे अपनी लाइफ साइकिल के लिए डिपेंडेंट हैं। वो कुछ प्रतिशत जीवन नहीं, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अपनी लाइफ जीते हैं रिवर्स में, और उसके बाद मैच्योर होकर बाहर आते हैं। अब बोलेंगे हाँ ठीक है, बाहर तो आते हैं, पर उससे क्या फ़ायदा? उससे फ़ायदा ये है
कि बाहर आके वो बस रिप्रोड्यूस करके अपना जीवन कंप्लीट नहीं करते हैं, वो बाहर आते हैं और बाहर के ऑर्गेनिजम्स को, जो बाहर जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, उनको भी खाना प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो बाहर जाके जब मरेंगे तो बाहर के जीव जंतु उन पर फीड करते हैं। तो बाहर का जो रिवर के आसपास का लैंडस्केप है, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में लैंड रिवर कॉन्टिन्यूम कहा जाता है, कि लैंड अलग और रिवर अलग नहीं है, ये एक ही है। तो रिवर से जो जंतु बाहर निकलते हैं वो लैंड के ऑर्गेनिजम्स को भी फीड करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिवर्स की बात करें तो बस मछलियाँ नहीं हैं, उसके अलावा ये छोटे छोटे जीव जंतु भी हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं हमारी रिवर्स की हेल्थ मेंटेन करने के लिए। और गंगा नदी की बात करें तो इसकी तो कॉम्पोजिशन ही विचित्र है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हालांकि मैं आज आपसे मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स की बात कर रही हूँ, लेकिन पूरे हिमालय में गंगा नदी को ही ले लें, यहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज़ मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स की पाई जाती है ये आज तक किसी को पता नहीं है। फैमिली लेवल तक पता है पर उसके नीचे किसी को पता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन पे कोई ध्यान नहीं देता, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं लेता इन पर लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक इनको नहीं जानेंगे तो मछलियाँ किसको खाती हैं वो कैसे जानेंगे। जो मछलियाँ मान लीजिए कीड़ों पे नहीं भी फीड करती हैं, वो फीड करती हैं एल्गी पे, जो रॉक्स के ऊपर डिपॉजिटेड ग्रीन ग्रीन से फिल्म होती है, पर उनको फीड करने के लिए भी, उस फिल्म की मेंटेनेंस के लिए भी ये मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स बहुत ज़रूरी हैं। दे आर कॉल्ड बायो इंजीनियर्स ऑफ द रिवर। ऐसा नहीं है कि रिवर अपने आप ही मेंटेन करती है खुद को, उसकी सफाई के लिए ये मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स बहुत ज़रूरी हैं।